हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण समितियां व आयोग। देखिए समितियां व आयोग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 2022 2021 लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं, लगातार आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल रहा है। तो देखिए इतना बेहतरीन टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए इतना बेहतरीन तरीका से समझेंगे कि अब क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत उसको कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए महत्वपूर्ण समितियां व आयोग, देखिए समितियां व आयोग होता क्या है पहले इसके बारे में समझिए। तो देखिए फ्रेंड क्या है, किसी समस्या या मुद्दे का अध्ययन करने और फिर मुद्दों को हल करने के लिए सिफारिश करने के लिए समितियां आयोग का गठन किया जाता है। समझे फ्रेंड, देखिए समितियां आयोग क्या होता है, किसी समस्या या मुद्दे का अध्ययन करने और फिर मुद्दे को हल करने के लिए सिफारिशें करने के लिए समितियां और आयोग का गठन किया जाता है। वही देखिए वो समितियां वही आयोग, तो कोई देखिए जो समितियां बने तो सरकार द्वारा, कोई महत्वपूर्ण नहीं कि जो सरकार हो वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उसके ऊपर होता है। देखिए स्वीकार भी कर सकती है अस्वीकार भी कर सकती है, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार वो कैसा कौन सी समिति का कौन सा चीज है, तो सरकार द्वारा कि वो स्वीकार करे कि अस्वीकार करे उसके ऊपर होता है फ्रेंड। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण है जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जो बन रहे हैं वही सबको हम ध्यान में रखते हुए अच्छे से उसको याद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गौतम रे समिति। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट जितना है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लगातार इसमें से हमेशा एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं लगातार एकदम। देखिए 2022 में तो देखिए एसआई में हुआ था, देखिए अभी जल्द ही एनटीपीसी का पेपर जो हो रहा है, अनेक उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें हमेशा देखने को मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए गोल्डन चांस है। तो क्या, तो देखिए गौतम रे समिति। तो देखिए इस यह समिति किस लिए कार्य करती है, क्या जीएसटी को सरल बनाने, तो क्या देखिए जीएसटी को सरल बनाने, देखिए जीएसटी को सरल बनाने के लिए जो कार्य हो रहा है कौन सी समिति पे, तो गौतम रे समिति पर, जीएसटी को सरल बनाने में कार्य कर रहे हैं कौन, गौतम रे समिति। और देखिए फिर अमिताभ कांत समिति, देखिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए अमिताभ कांत समिति। देखिए इसके, देखिए अगर पढ़े होंगे तो रिपीट हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे जैसे रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अच्छे से आप लोग एक बार दो बार देखेंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए अमिताभ कांत समिति किस लिए कार्य करती है बताइए फिर। तो देखिए जो ट्रेनों को जो निजीकरण हो रहा है फिर, सुने होंगे कि देखिए ट्रेनों का बहुत निजीकरण हो रहा है, तो देखिए स्टूडेंट बहुत परेशान है कि नहीं ट्रेनों को, सभी जो सरकारी कर्मचारी सभी लोग परेशान है कि भाई जो ट्रेनें हैं हमारे निजीकरण मत कीजिए। तो देखिए वो जो निजीकरण हो रहा है ट्रेनों का, जो निजीकरण हो रहा है फ्रेंड, तो कौन सी समिति वो कार्य करती है, तो अमिताभ कांत समिति के ही समिति पे ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है, जो देखिए निजीकरण देने के लिए जो कार्य हो रहा है फ्रेंड। और देखिए मंडल आयोग, क्या देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडल आयोग, क्या देखिए मंडल आयोग किस काम में करती है फिर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो बताने का प्रयास जरूर कीजिए फिर। देखिए मंडल आयोग क्या है, देखिए जो पिछड़ी जाति है, क्या जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति के लिए जो सीटों का, जो पिछड़ी जाति के लोग जो, क्या जो सीटों का आरक्षण, क्या जो सीटों का आरक्षण जो हो रहा होता हो हुआ है उसके लिए कौन सी कार्य करती है, मंडल आयोग। देखिए देखिए कभी कभी ये पूछता है कि कभी कब हुआ था, तो कब हुआ था 1993 में, कब हुआ था 1993 में हुआ था फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंडल या पिछड़ी जाति के लिए सीटों का जो आरक्षण होता है फ्रेंड, कब हुआ था 1993। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सी है, सरकारी आयोग। देखिए तो आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो जरूर इसको जानते होंगे, क्या सरकारी आयोग क्या है, सरकारी देखिए क्या, देखिए यह केंद्र, देखिए केंद्र और राज्य, क्या केंद्र और राज्य में जो संबंध है, केंद्र और राज्य में संबंध, देखिए कौन सी कार्य, जो केंद्र और राज्य में जो संबंध है कौन सी समिति के तहत है, तो देखिए सरकारी आयोग। देखिए कब हुआ था यह,
तो यह 1983 में हुआ था। देखिए कभी काल ये भी पूछ देगा, कभी सन भी पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत होएगा फिर। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपको गर्मी बहुत होती है, गर्मी इसलिए होती है स्टूडेंट, देखिए दोस्तों हमारे फ्रेंड, क्योंकि हम जो फैन बंद कर देते हैं, फैन बंद कर देते हैं इसलिए कि आपकी जो आवाज होती है, जाकि आवाज उसमें नहीं सही से कि जो साफ जो सुथरी आवाज हो नहीं आती, उसमें जैसे खड़खड़ाहट की आवाज होती है तो परेशानियां होती हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट आवाज जाए, ताकि जो बताएं अच्छे से आपको ध्यान मिले। तो क्या सरकारी आयोग किस लिए कार्य करती है? तो केंद्र राज्य में संबंध जो होता है सरकारी आयोग, देखिए इम्पोर्टेंट है क्या, जैन आयोग, क्या फ्रेंड, जैन आयोग, जैन आयोग, देखिए फ्रेंड जैन आयोग किस लिए काम करती है फ्रेंड, तो जैन आयोग देखिए राजीव गांधी, क्या राजीव गांधी, क्या राजीव गांधी की जो हत्या नहीं हुई थी उसके जो उसकी जांच के लिए, का राजीव गांधी की जो हत्याकांड, क्या हत्याकांड, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए राजीव गांधी की हत्याकांड कौन सी, जैन आयोग। अब देखिए ठक्कर आयोग, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, जैन आयोग राजीव गांधी की हत्याकांड, और देखिए ठक्कर आयोग क्या इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा गांधी, फिर देखिए इंदिरा गांधी की हत्या, ठीक हत्याकांड, ठीक फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जैन आयोग पूछेगा तो राजीव गांधी की हत्याकांड से संबंधित है, और अगर ठक्कर आयोग पूछेगा तो इंदिरा गांधी, ठक्कर आयोग, देखिए ठक ठक गोली मार दिए थे तो क्या ठक्कर आयोग, मतलब इसे याद कर लीजिएगा, तो इंदिरा गांधी और जैन, जैन राजीव गांधी की हत्या, और देखिए हंटर आयोग, ये तो आप जानते होंगे तो सभी, लगभग तो सभी ना सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि हंटर आयोग क्या है, ठीक है फ्रेंड। देखिए हंटर जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी के रिलेटेड है हंटर आयोग, तो क्या जलियांवाला हत्याकांड, ठीक जलियांवाला रहेगा फ्रेंड, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, उसके जांच के लिए कौन सा आयोग कार्य किया था, हंटर आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और देखिए कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमंत राव समिति, क्या फ्रेंड, हनुमंत राव समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हमेशा देखिए अगली बार जो ग्रुप डी का पेपर पिछले बार हुआ था वो तो बहुत बार पूछे, जैसे कई बार हर शिफ्ट में लगभग लगभग 2-3 दिन के बाद आ जाता था, कौन सा, हनुमंत राव समिति। तो देखिए बेंच किस लिए कार्य करती है, तो यह उर्वरक से संबंधित, क्या उर्वरक से, जैसे उर्वरक का जो कार्य होता है जो उसके लिए कौन सी कार्य जो होती है समितियां, तो उसकी समिति देखिए हनुमंत राव समिति के ही तहत कार्य करती है जो, तो उर्वरक, क्या तो उर्वरक से संबंधित है यह समिति। और देखिए सत्यम समिति, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्या सत्यम समिति, जैसे सर जैसे बता दीजिए कि जैसे आप कितना हमको याद होता है, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ऐसा अच्छी अच्छी जो फिर जो होते हैं टॉपिक जो हमेशा जो एग्जाम में पूछते हैं हमेशा लेके आते हैं, तो इसलिए फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो देखिए सत्यम समिति, क्या सत्यम समिति क्या है, वस्त्र नीति, क्या वस्त्र नीति से संबंधित है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्यम समिति क्या है, वस्त्र नीति, जैसे वस्त्र के जो कार्य, वस्त्र में जो कार्य, कपड़ा वपड़ा के जो कार्य में जो कार्य करते हैं तो कौन सी समिति के तहत, तो यह सत्यम समिति के तहत। और देखिए फिर ज्ञान प्रकाश समिति, बहुत ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ज्ञान प्रकाश समिति फ्रेंड, ये भी बताइए, देखिए फिर क्या ज्ञान प्रकाश समिति, बताइए फ्रेंड ज्ञान प्रकाश किस लिए संबंधित है, तो देखिए ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला, क्या चीनी घोटाला से संबंधित है, चीनी घोटाला से संबंधित है, देखिए चीनी घोटाला की समिति कौन सी समिति कार्य करती है, तो ज्ञान प्रकाश समिति कार्य करती है। और देखिए महाजन समिति, देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए जैसे यहाँ पे जैन आयोग था ठक्कर आयोग था, तो जैन आयोग राजीव गांधी की हत्याकांड से संबंधित है, ठक्कर आयोग जो है इंदिरा गांधी के हत्याकांड से संबंधित, तो उसी तरह देखिए ज्ञान प्रकाश समिति क्या चीनी उद्योग से, क्या चीनी उद्योग से, चीनी घोटाला से फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड क्या ज्ञान प्रकाश समिति जो है चीनी घोटाला से संबंधित। और देखिए महाजन समिति किस लिए है, तो चीनी उद्योग से संबंधित है, क्या चीनी उद्योग से संबंधित है, क्या चीनी उद्योग से संबंधित। देखिए ज्ञान प्रकाश समिति किस लिए है, तो चीनी घोटाला से, और महाजन समिति किस लिए है, तो चीनी उद्योग
उद्योग सेगमेंट देखिए अच्छे से, जैसे एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे पहली बार अगर पढ़े होंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा अलग रहा होगा, तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, एक बार दो बार पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको। देखिए रेखा समिति, किस लिए कार्य करती है फ्रेंड्स, देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। रेखा समिति किस लिए कार्य करती है, तो क्या किस लिए काम करती है, तो देखिए रेखा समिति किस लिए कार्य करती है फ्रेंड्स, तो रेखा समिति देखिए अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो जो हमारे उसमें प्लेलिस्ट में है वहां से देख सकते हैं, वीडियो बहुत सारे वीडियो हमारी है वहां से अच्छी तरह से समझाया गया है। तो देखिए रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, और देखिए वांछु समिति, क्या एक वांछु समिति है, यह क्या है प्रत्यक्ष कर है, क्या यह प्रत्यक्ष कर है, क्या प्रत्यक्ष कर, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर वांछु समिति प्रत्यक्ष कर। देखिए फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार दो बार रिपीट कर रहे हैं कि हमेशा क्वेश्चन पूछ रहे हैं समय, देखिए ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन, देखिए कोई भी एग्जाम हो रहा है जरूर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको दिखने को लग जाए मिल जाएंगे फिर। और देखिए दंते वाला, इसको तो आप इतने बेहतरीन से याद कर लीजिएगा कि इस समय तो बहुत ज्यादा ही इस समय चर्चा में दंते वाला समिति, क्या दंते वाला समिति किस लिए फिर, देखिए बेरोजगारी का अनुमान जो हो रहा है, बेरोजगारी का अनुमान जो अनुमान कौन सी समिति कार्य करती है, मतलब इस समय हमारे जो युवक है बाकी जो कितना बेरोजगार है, तो कौन सी समिति बताती है, तो दंते वाला समिति के तहत पता चलता है कि बेरोजगारी का अनुमान कितना है, कितना बेरोजगारी है, कितना बेरोजगारी नहीं है फ्रेंड। तो इसलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप एग्जाम में देने जाएंगे तो क्वेश्चन देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया बताए थे, और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिए कुछ इतना महत्वपूर्ण इसीलिए हम उनको बताएं। तो देखिए फ्रेंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।